दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो ये जानकर आपको काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि अब आप केवल ट्रेन में सफर करके 10,000 रुपए तक का इनाम जीत सकते हो। और दोस्तों, ये जो 10,000 रुपए का इनाम है, ये आपको खुद इंडियन रेलवे की तरफ से दिया जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कई न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडियन रेलवे के द्वारा खुद ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को 10,000 रुपए तक का इनाम दिया जा रहा है। अब अगर बात करें कि ये इनाम आप कैसे जीत सकते हो, तो बेसिकली इंडियन रेलवे के द्वारा एक वृत्तांत पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का कंपटीशन होगा जिसमें फर्स्ट आने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा और दूसरा जो इनाम है वो 8,000 रुपए का दिया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा इनाम है वो 6,000 रुपए का दिया जाएगा और चौथे नंबर पर प्रेरणा पुरस्कार देखने को मिलता है जो कि 4,000 रुपए का होगा। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो इस इनाम को आप भी जीत सकते हो। लेकिन अगर बात करें कि इस इनाम को जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों, इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की जर्नी को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस पुरस्कार योजना को शुरू किया गया है। और इस इनाम को जीतने के लिए आपको अपनी ट्रेन जर्नी का जो भी एक्सपीरियंस है उसको इंडियन रेलवे के साथ शेयर करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, जो आप ट्रेन में सफर करते हो उसके बारे में आपको इंडियन रेलवे को लिखकर बताना पड़ेगा कि आपका जो सफर है वो कैसा रहा और आपके इस एक्सपीरियंस का जो भी इस्तेमाल है वो इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। तो अगर बात करें कि आप अपना ट्रेन की जर्नी का जो एक्सपीरियंस है उसको कैसे शेयर कर सकते हैं रेलवे के साथ, तो सबसे पहले आपका ट्रेन जर्नी का जो भी एक्सपीरियंस है वो कम से कम 3,000 से लेकर 3,500 शब्दों का होना चाहिए और लिखने के लिए आप केवल हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो, आप अपने ट्रेन जर्नी का जो भी एक्सपीरियंस है उसको एक कागज पर लिखकर उसको इस पते पे आप भेज सकते हैं जिसकी डिटेल अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लोगों की जर्नी का जो भी एक्सपीरियंस है वो इंडियन रेलवे के लिए एक प्रकार से फीडबैक का काम करेगा जिसके कारण ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकेगा। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।